आचार्य प्रतिष्ठा जी से पूछना चाहती हूँ। यहाँ अनुराग भदौरिया जी ने आचार्य प्रतिष्ठा जी सवाल उठाया है कि गनर को अभी हिरासत में लिया गया है, ऐसी खबर उन्होंने बताया उनके पास है, और ये 28 घंटे बाद हुआ है, ऐसा क्यों, उनका ये सवाल है। मैं पूछना चाहती हूँ, वाई सिक्योरिटी हो, जेड सिक्योरिटी हो, लेकिन कमरे के अंदर, घर के अंदर क्या सिक्योरिटी वाला सवाल ये कोई मायने रखता है? क्योंकि जिसकी भी जैसी भी सिक्योरिटी हो, घर के अंदर तो शायद गनमैन आपके कमरे से आपके बाथरूम तक, या आपके बाथरूम से आपके कमरे, या पूजा घर में, या खाने के कमरे में शायद गनर नहीं जाता है। कम से कम मेरी समझ ये कहती है। आप समझती हैं कि अनुराग भदौरिया जी का ये सवाल अटपटा सा? बिल्कुल नविका जी, ये दुखद है कि वो व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया हो, वो अपने ही स्थान पर, क्योंकि वो आश्रम है, क्योंकि उनका आश्रम घर सब एक ही है, वहां पर असुरक्षित है। और ये जो बात आपने उठाई है बिल्कुल सही है कि हम घर के भीतर किस स्थिति में हैं, और अगर अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह की कॉन्स्पिरेसी हमारे आसपास गढ़ रहे हैं, तो ये और भी दुखद है। पर उससे भी दुखद ये है कि जिस पद के वो व्यक्ति थे, जिस आयु के वो व्यक्ति थे, और जिस साधना के पथ पर चलने वाले वो व्यक्ति थे, और जो वीडियो फुटेज, हम योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम योग गुरु हैं, तो हम बता सकते हैं कि जो वीडियो फुटेज एक दिन पहले की हम सबके सामने आ रही है, वहां उनके उनके किसी भी एक्ट से, किसी एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लग रहा कि वो अवसाद की स्थिति में है, वो डिप्रेस्ड है या वो परेशान है। तो ऐसा, ये बात तो गले के नीचे नहीं उतर रही कि जिस पद पर, जिस आयु पर, जिस पथ पर वो थे वहां पर, और हनुमान जी के जो भक्त हैं वो हताश होकर या निराश होकर के आत्महत्या कर लें। और दूसरी चीज, जो एक प्रश्न आपने किया, अगर हम थोड़ा सा उनके विषय में पढ़ते भी हैं, जो साहित्य भी है या जो नेट पर भी अवेलेबल है, वहां पर एक चीज आती है कि सिर्फ उन्होंने बेसिक एजुकेशन के विषय में तो उल्लेख है, पर कहीं भी बहुत हायर स्टडीज का उल्लेख नहीं है। तो क्या ये सच है कि वो इतना लंबा पत्र नहीं लिख सकते थे? क्योंकि जो बाहर बैठा है वो उतना नहीं बता सकता, जो भीतर बैठे हैं वो लोग ज्यादा जानते हैं कि क्या वो इतना लंबा लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे। पर दूसरी ओर ये भी सत्य है कि जहां मनुष्य तन है तो वहां मनुष्य मन भी है, और मन है तो उसकी वृत्तियां भी हैं, और जीवन में कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति इतना इन्फ्लुएंशियल हो और उसको पहले भी कभी मृत्यु तक की, जैसा बताया जा रहा है, धमकी मिली, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया हो यदि ऐसा हुआ हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो जांच एजेंसीज अपने काम कर रही हैं, और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के देखरेख में उनकी सरकार में इस विषय पर पूरी जांच होगी, और उसमें जो भी सत्य है, जो भी तथ्य है, वो निश्चित रूप से सामने आएगा। इस मामले में मुझे लगता है ना मुझे न संत समाज को किसी भी प्रकार की कोई दो राय है कि वहां पर कार्यवाही नहीं होगी। निश्चित रूप से कार्यवाही होगी, पर जांच एजेंसी को हम अपना काम थोड़ा समय के लिए करने दें ताकि तथ्य हमारे सामने आए। बिल्कुल सही और बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात कही आपने आचार्य प्रतिष्ठा जी। मैं